देश भर में दीपावली की धूम, लाइटों से सजे बाजार, लोगों की दिखी भारी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, 40 जिलों के डीएम भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, आज 7.5 लाख दीपक से जगमगाएगा राम की पैड़ी घाट, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। देश में डेंगू का कहर जारी है, 1.16 लाख से ज्यादा डेंगू के मामले आए सामने, केंद्र ने 9 राज्यों में भेजी हाई लेवल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दिवाली की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है। हिंदुओं के त्यौहार दिवाली का बहुत खास महत्व है। इस दिन लोग घरों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनसे सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी दीपावली के त्यौहार के लिए बाजार सज चुके हैं और लोग अपने घरों से निकलकर खरीदारी के लिए बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बाजारों में इस बार टेराकोटा के दियों से लेकर रंग बिरंगे कैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स और गिफ्ट पैक से बाजार भरे हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बाजारों में उत्सव सा माहौल बना हुआ है। तो दिवाली पर बाजार सज चुके हैं, बाजारों में रौनक देखने के लिए मिल रही है। दिवाली का त्यौहार 5 दिनों का अनूठा त्यौहार होता है। धनतेरस से इसकी शुरुआत हो जाती है और धनतेरस से ही लोग यहाँ पर खरीदारी करनी शुरू कर देते हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से दिवाली फीकी फीकी सी रही थी, लेकिन इस बार वो रौनक जरूर नजर आ रही है जो हर साल दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति से लोग काफी ज्यादा जूझ रहे थे, तो ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है, जो दुकानदार है उन्हें उम्मीद है कि भारी संख्या में जो भीड़ उमड़ रही है उनसे उनकी दिवाली इस बार बेहद खास होगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिवाली पर झालर, फूलमाला, दियों से जो बाजार है वो सजे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो भी दुकानों में दिखाई दे रहा है। तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा, मूर्ति सब लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मिठाई की दुकानों पर भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से यूपी के अलग अलग जिलों में रौनक बनी हुई है दिवाली की, वहां का हाल कैसा है, बाजारों में भीड़ कैसी है और कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है तो कोरोना प्रोटोकॉल्स का कितना पालन हो रहा है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की और किस तरह से बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बाजार सज चुके हैं और 5 दिन का अनूठा त्यौहार मनाने के लिए देश भर में हर्षोल्लास देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल इस तरह की भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि कोरोना अपने चरम पर था। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मनाही थी भीड़भाड़ इकट्ठा होने पर और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना के मामले खत्म हो रहे हैं तो वैसे वैसे तमाम जो चीज़ें थी उसमें छूट मिल रही है। अब आप बाज़ारों में रौनक भी देख सकते हैं, इसके अलावा भीड़ भी दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पर लोगों से अपील की है कि दिवाली के मौके पर खासा भीड़ रहेगी तो ऐसे में मास्क ज़रूर लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, लेकिन कुछ जगहों पर लोग ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि हमें त्यौहार मनाना है लेकिन कोरोना को भी देखना है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोग सतर्क भी हैं लेकिन त्यौहार का जो हर्षोल्लास है, जो तेज़ है, वो उनके चेहरों पर वो खुशी ज़रूर नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी बेहद खुश हैं क्योंकि साल भर से उनकी दुकानें ठीक तरीके से नहीं चल पा रही थी, कभी लॉकडाउन पिछले साल, उसके बाद कभी वीकेंड लॉकडाउन, तो कभी नाइट कर्फ्यू, ऐसे में अब उन्हें अपनी दुकानें जल्दी बंद करनी पड़ रही थी। महंगाई की वजह से भी जो आम जनता है वो परेशान थी, दुकानदार इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा महंगा सामान मिल रहा था और अपनी दुकानों से उसे निकालने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। लेकिन जिस तरह की भीड़ अब नज़र आ रही है और लोग त्यौहार को लेकर जिस तरह से खुश हैं और जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, उससे अब साफ है कि कहीं ना कहीं ये दुकानदार भी अब खुश हो जाएंगे, कुछ मुनाफा इनका भी होगा।
तो बाजारों में कैसी रौनक है ये जानने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी रूबी सिद्दीकी लखनऊ से जुड़ गई हैं। वहीं तमाम और भी मेरे सहयोगी हैं जो अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। तो फिलहाल रूबी का हम रुख करेंगे क्योंकि रूबी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूबी, लखनऊ में किस तरह की रौनक देखने के लिए मिल रही है? और इसके साथ साथ मैं दिखा दूँ आपको बिजली की लाइटें हैं, यानी कि ये अलग से कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। वही कुछ बर्तन भी है, आपको अच्छा देख सकती है कि इसमें प्लेटें हैं, सभी पे दाल लिखे हुए हैं। और इस बार चले ठीक है रूबी, मैं आपका रुक करूंगी। प्रांजल भी हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं, वहीं गाजियाबाद से जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप तीनों से मैं यहां जानने की कोशिश करूंगी कि बाजारों में किस तरह की रौनक है। जैसे कि रूबी से मैं लगातार जान रही हूँ, रूबी आप ये बताइए कि जिस तरह से 2020 में गलवान घाटी में जिस तरह से चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद से कई चीजें बॉयकॉट कर दी गई थी, तो ऐसे में दिवाली के मौके पर हम सालों से देखते आ रहे थे कि चीनी जो लाइटें हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, क्या इस बार ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है या पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है बाजारों में? जो रोशनी का इंतजाम है वो दिया है और इसके साथ साथ ही कैंडल है, कुछ कैंडल ऑर्डर पे बनवाए गए हैं और कुछ जो दिए हैं वो उपयुक्त दिए तैयार किए गए हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लाइटें चालू है, इंडियन लाइटें इनको बताया गया है, ये चाइनीज लाइटें नहीं है। और इन जानवरों के खासियत यही बताई जा रही है कि अगर ये लाइट जलती है, यानी कि इंडियन लाइट है और खास इंतजाम से इंडियन में ही तैयार किया गया है, लेकिन ये चाइनीज लाइटें नहीं है। तो ये कह सकते हैं काजोल की चाइनीज लाइटें जो है और योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं और आप लखनऊ में मौजूद हैं, तो लखनऊ में क्या उस पर फोकस किया जा रहा है, उस बात पर ध्यान दिया जा रहा है? और अगर उन कुम्हारों की बात की जाए जो लाखों की संख्या में दिए बनाते हैं, उनकी आजीविका कैसी है? एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, ये गन्ने से रोजगार हो रहा है क्योंकि कोरोना के बाद सारे जो व्यापार थे वो बंद थे, लेकिन आधे से ज्यादा 9 लाख के करीब ये अयोध्या पहुंचे, उनके बाद बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। प्रांजल पीलीभीत में किस तरह की तैयारियां दिवाली को लेकर, क्योंकि 2020 में दिवाली ठीक तरीके से नहीं मन पाई थी क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बाजारों में रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है। और जिस तरीके बात की जा रही है ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल की जा रही है, फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग तो हो रही है, बिल्कुल। प्रांजल देखिए, कुछ व्यापारी संगठन ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार करेंगे क्योंकि इससे उनकी आजीविका पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, दुकानें खाली रहती हैं, ग्राहक नहीं पहुंचते, क्या इसका असर जरा भी दिखाई दे रहा है? और इसके अलावा सबसे ज्यादा डिमांड में क्या कुछ है, क्या लोग मिठाइयाँ ज्यादा खरीद रहे हैं या कपड़े ज्यादा खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा खरीद रहे हैं या फिर लोकल फॉर वोकल पर फोकस कर रहे हैं? खरीदारी लोग, लेकिन अब इस साल की अगर बात किया तो कोरोना
तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो इस बार बारिश तो बेमौसम तो बरसात हो गई है, बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला। मेरे यहाँ चलिए ठीक है प्रांजल, जितेंद्र भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, गाजियाबाद दिल्ली से सटा इलाका है और सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो दिल्ली गाजियाबाद यानी कि दिल्ली एनसीआर में ही हो रहा है, तो ऐसे में पटाखों की बिक्री क्या वहां पर हो रही है? जितेंद्र आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, चलिए मैं आप लोगों का रुख करूंगी। फिलहाल आपको तस्वीरें हमने दिखाई अलग अलग इलाकों की, लखनऊ की, पीलीभीत की और गाजियाबाद की, बाजार तो सजे हुए हैं और जैसा कि दुकानदार थोड़े से मायूस भी हैं क्योंकि उनका कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा देश में बढ़ गया है, ऐसे में लोग घर बैठ कर ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं तो बाजार नहीं आते हैं, ऐसे में उनका मुनाफा उतना नहीं हो पाता जितने की उम्मीद रखते हैं। उसके बावजूद भी जो ज्यादा भीड़ है वो दियो की दुकानों पर है, जो पोस्टर हैं, झालर हैं, मालाएं हैं, इन पर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। इसके अलावा जो मिठाई की दुकानें हैं उन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन जो कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, वो लोग ऑनलाइन ही खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए, लगातार आह्वान योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं प्रदेश की जनता से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं देश की जनता से कि लोकल फॉर वोकल जो सामान है उस पर ज़्यादा फोकस करें, यानी कि मिट्टी के दिए और जो ऐसी मूर्तियाँ जो कि स्वदेशी हों, देश में ही बनी हुई हों, प्रदेश में ही बनी हुई हों, उनको ज़्यादा खरीदें, उनको ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि उन लोगों की भी रोजी रोटी चल सके जो कि काफ़ी ज़्यादा इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे पे लगातार कहा जा रहा है कि उन लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो बाज़ारों में उस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसके अलावा जो दिए हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हालाँकि इलेक्ट्रॉनिक जो लाइटें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन जो चाइनीज सामान है वो बहुत ही कम बाजारों में नजर आ रहा है क्योंकि 2020 में पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया था, लेकिन कुछ सामान है जो अब भी बाजारों में दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ही कम संख्या में। अगर 2 साल पहले की हम बात करें तो उससे पहले दिवाली पर चाइनीज लाइटें भरमार तरीके से बाजारों में नजर आती थी, लेकिन अब स्वदेशी सामान नजर आ रहा है, स्वदेशी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, ऐसे में लोग खरीद तो रहे हैं लेकिन इक्का दुक्का सामान ही खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जो से ज्यादा सस्ती मिल रही है लोग उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो फूल माला है उनकी जगह जो प्लास्टिक के फूल हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है ताकि वो ज्यादा यूज हो सके, उनका रीयूज किया जा सके। वहीं मूर्तियां जो मिट्टी की हैं उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसके अलावा दियो पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मिठाई की दुकानों में भरमार भीड़ है, वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में नज़र आ रहे हैं। तो दिवाली का त्यौहार है और दिवाली का जो उत्सव है वो चारों तरफ नज़र आता है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और आगे भी हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो दिवाली से पहले यानी कि कल से पहले की आज की तस्वीरें हैं, आज किस तरह से बाजार में लोग घूम रहे हैं। हालांकि कल से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही थी, सड़कों पे भारी जाम लगा हुआ था, कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है लोगों को दिवाली के खास मौके पर, लोग घरों से बाहर निकलते हैं। रूबी लखनऊ से और जितेंद्र गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर गाजियाबाद का मैं बात करूं तो यहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पटाखों पर पूरी तरह से बैन है, ग्रीन दिवाली पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो गाजियाबाद के लोग क्या समझ रहे हैं, बाजारों में किस तरह से रौनक देखने के लिए मिल रही है, क्या पटाखे वहाँ बिक रहे हैं या पूरी तरह से बंद है? लेकिन अगर बात करें तो 300 के पास था और आज इसी तरह की बनी हुई है, तो इस चीज को देखते हुए गाजियाबाद जलाए जाते हैं, मतलब अवैध मंगाए जाते हैं, बेचे जाते हैं।
बिल्कुल जितेंद्र, आप क्या वहां पर दुकानदारों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में जो दिवाली है वो उतनी खास लोगों की नहीं रही। चलिए ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। रूबी भी हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से। रूबी, आपके आसपास बहुत सारे हमें जो लोग हैं, जो ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करिए और बताइए। यहाँ पर दुकानदार है काजोल, मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगी। इनकी दुकान है, छोटी दुकान जरूर, दुकान है, और ये कमल का फूल बेच रहे हैं। इसकी कीमत लगा रखी है 20 रुपए, और इसके साथ ही साथ ये मोरपंखी भी बेच रहे हैं, इसकी भी कीमत 20 रुपए लगा रखी है। जैसे बात कर लेते हैं कि सुबह से उनकी बिक्री चली हुई है और अभी तक ये चल रहे हैं पूरे बाजार में। मैंने इनको देखा है यहाँ से वहाँ फूल चल के लोगों के साथ अपनी बातचीत करते हैं और कर रहे हैं। ये बताइए अभी तक कितनी बेच चुके हैं आप? अच्छा, आज ही आप निकले बेचने के लिए? कितने दिन से बाजार में घूम रहे हैं? कितना बेच चुके हैं अभी तक? अब इतना ही बचा आपके पास? कितना कहना है कि अभी के झोले में अभी और भी इनके सामान रखे हैं, थोड़ा बहुत बेच चुके हैं, मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे थे। लेकिन महंगाई की मार भी है इस बार की, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए, राशन सरसों का तेल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में दिवाली टिकी है कि अच्छी नहीं? चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे लोग त्यौहार को त्यौहार की तरह से एंजॉय करते हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है समर के अकॉर्डिंग वो कैपेसिटी के अनुसार जो आदमी भी 2 रुपए की शुरू होती है 2000। सरकार ने धीरे से कहना कि रोजगार ज्यादा बना लिया, तो आपको लगता है ये अच्छी पहल है? रूबी, इनसे पूछिए कि जिस तरह से फोकस किया जा रहा है कि स्वदेशी सामान को ज्यादा तवज्जो दी जाए, तो ये क्या स्वदेशी सामान को तवज्जो दे रहे हैं? क्या इन्होंने मिट्टी के दिए खरीदे हैं? आप एक सवाल का ये जवाब दीजिए, आपने मिट्टी के दिए खरीदे, स्वदेशी सामान को ज्यादा तोड़ दिया गया है? अपने देश में जो चीज बन रही है, जो भी आपके रोजगार मिलता है, ठीक है रूबी, इनकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप और भी दुकानों पर जाइए और जानने की कोशिश करिए कि क्या दुकानदार खुश हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद उनसे जताई जा रही थी। बिल्कुल काजोल, मैं जानने की कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं रहती हूँ दुकान पे, अच्छे अच्छे खिलौने सजे हुए इनके दुकानों पे, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। मैम आप बताइए, इस बार आप खुश है, दुकानदारी हो रही है? कितने बजे से दुकान सज रही है आपकी और कितने बजे खुल रही है? अच्छा, इस बार की दिवाली आपके लिए कितनी खास है? तो आप इस बार खुश है? कोरोना काल में अभी भी चल रहे हम लोग, लेकिन दिवाली बाद। तो तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली का जो त्यौहार है, इसको लेकर बाजार सजे हुए हैं, लोग खुश हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो एक कमी है वो ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरह से सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं और दिए लोग उन्हीं से जलाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर महंगाई कम होती तो शायद और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिवाली का त्यौहार वो मना सकते।
सामने आ रही हैं और दिवाली के खास मौके पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी बेहद हर्षोल्लास से भर रही है, क्योंकि इस बार एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो दिवाली का त्यौहार हम सालों से देखते आ रहे हैं वही वापस लौटा है। 2020 में उतना रौनक नहीं नजर आई थी, कोरोना की वजह से हर त्यौहार फीके फीके से नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार हर त्यौहार काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले कम हुए हैं। हर कोई माँ लक्ष्मी से यही कामना कर रहा है कि इस कोरोना को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो ताकि आने वाले समय में जो और त्यौहार आ रहे हैं उन्हें हंसी खुशी के साथ मनाया जाए। तो दिवाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं, रौनक भी लगातार नजर आ रही है। देश भर में अलग अलग इलाकों में दिवाली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बाजारों में पहुंच चुके हैं और अलग अलग अपने घर को सजाने का सामान भी खरीद रहे हैं, पूजा का सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये देखकर खुश हैं कि इस बार बाजारों में रौनक है और जो दुकानदार हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। महंगाई का दौर है लेकिन उसका असर त्योहारों पर बहुत ही कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं जहां पर दिवोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कैसी तस्वीरें हैं देखिए। जाएंगे राम की पैड़ी पर सजाए जाएंगे, वहीं 3 लाख जो दिए हैं वो अलग अलग जगहों पर रखे जाएंगे। वॉलंटियर्स पूरी तरह से तैयार हैं, दिए रखने का जो काम है वो शुरू हो चुका है क्योंकि जो रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तय करने वाली टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है और गिनती जो है वो यहां पर दियों की शुरू हो चुकी है। तो अयोध्या की खास तस्वीरें और अब से कुछ ही देर बाद एक अलग ही नज़ारा, अद्भुत नज़ारा देखने के लिए आपको मिल सकता है। फिलहाल तो यहाँ पर दिए रखने का काम शुरू हो गया है, बत्ती दियों में रखी जा रही है, उसमें तेल भरा जाएगा। उसके बाद करीब 5:30 बजे शाम 5:30 बजे तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो बेहद ही अद्भुत नज़ारा इस बार दीपोत्सव का देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। अयोध्या की जो दिवाली है, अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो विश्व भर में पहले से ही मशहूर है और एक बार फिर से एक रिकॉर्ड बनने के लिए जा रहा है। 9 लाख दिए सरयू घाट पर, लेजर लाइट शो, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज प्रसारित की जाएंगी। इस बार खास ये है कि इस बार दीपोत्सव में आम जनता भी जा सकती है दीपोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए। हालांकि 2020 में ऐसा नहीं हो पाया था, 2020 में कोरोना की वजह से ऑनलाइन सभी ने दीपोत्सव का जो जश्न था वो देखा था, लाइव प्रसारण हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां खास हैं और तैयारी को जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। और अयोध्या को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में हम लोग सफल होंगे। यहाँ पे पिछले अपने 1.5 घंटे के दौरान बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ होगा और मुझे लगता है कि सायंकाल तक आपको यहाँ पर अयोध्या में और भी कुछ देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें प्रसन्नता होगी कि इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे तो अयोध्या आगमन आपका जो है सार्थक हो जाएगा। आप सभी का थैंक यू, आपकी टीम के स्पेशली उन्होंने जन्मभूमि परिसर में जाने दिया, वहाँ से लाइव किया, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए भी था, दर्शकों के लिए भी, कि मंदिर कैसा निर्माण होगा। लेकिन एक क्योंकि अनऑफिशियल मीटिंग का अनऑफिशियल क्वेश्चन आपसे मेरा छोटा सा है, 2015 के पहले भी माते थे यहाँ पे, हमने यहाँ स्थिति देखी थी, उसके बाद हर साल जब मैं यहाँ आया दिवाली के तो अयोध्या बदलती नजर, आपके गुरु जी जो थे वो भी राम जन्मभूमि आंदोलन जुड़े थे, तो सीएम से हटकर व्यक्तिगत तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा है बदलती अयोध्या को देखते हुए, और अब जब नवंबर में कहा जा रहा है कि 2023 तक
यहाँ पर मंदिर बन जाएगा, भव्य राम मंदिर निर्माण करेगा, तो ये आपका व्यक्तिगत अनुभव सीएम वाला नहीं। देखिए ये मेरे लिए नहीं, पूरे भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। जिस कार्य को दुनिया असंभव होती थी। तो अयोध्या में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं उसका यहां पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद हैं और शाम के वक्त कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिलहाल जो तैयारियां हो रखी हैं उसका जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो दीपोत्सव की ये तैयारियां, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अधिकारियों के बीच मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। प्रकटीकरण हुआ है उस आंदोलन की अगुवा का, मेरे पूज्य गुरुदेव राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति के अध्यक्ष थे और आज मुझे इस पूरे कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्रभु उस प्रकार की लीला स्वयं रस लेते हैं, किस भूमिका में किसको कार्य करना है और उनकी लीला को आगे बढ़ाने में कौन सहायक हो सकता है, वो सब प्रभु की लीला है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो अयोध्या में दीपोत्सव की धूम आप देख रहे हैं, तस्वीरें, भव्य मूर्तियां, भव्य पेंटिंग, दियों से राम सीता लक्ष्मण तमाम तस्वीरें यहां पर निकाली गई हैं और इन्हीं दियों को रोशन किया जाएगा। ये खास तस्वीरें आज अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं। राम की पैड़ी पर 9 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे और पूरी अयोध्या आज रोशनी में होती हुई नजर आएगी। बस कुछ देर का इंतज़ार और ये अयोध्या जो है वो एक बार फिर से राममय होती हुई नजर आएगी, बिल्कुल ऐसी अयोध्या जैसी राम की अयोध्या। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप भी लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिए क्योंकि दीपोत्सव की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे।